गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। और मॉर्निंग बुलेटिन में हम चर्चा करते हैं इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की। आज कहाँ आपको मौका मिलेगा बाय करने का, कहाँ मौका मिलेगा सेल करने का। सॉरी, तो बात करते हैं निफ्टी की पहले। और जैसा कि कल जो मैंने लेवल्स दिए थे, एग्जैक्टली मार्केट वहीं जाके बंद हुआ 17400 पे। और आज हम देखेंगे कि मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर खुलने के चांस है, मतलब 40-50 पॉइंट हम लोग ऊपर खुलेंगे। तो ये मान के चलते हैं कि करीब करीब 17400 के ऊपर, 440 के ऊपर हम लोग खुलेंगे। 17440 के ऊपर खुलते हैं तो आपको बाय करना है 17500 और 17600। ओके, ये दो लेवल के लिए। 17500 भी हमारे लिए एक लेवल है, तो यहाँ से एक 50-50 पॉइंट पे ही हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, आज एक्सपायरी है, तो आज एक्सपायरी के समय आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। मार्केट तो थोड़ा बुलिश है क्योंकि कल हमने देखा कि डाउन वापस एक अच्छी खासी रिकवरी आई। तो कल की रिकवरी तो हम लोग ने ये समझो कि परसों हमने बचा ली थी, क्योंकि परसों मार्केट जब गिरा था तभी भी हम लोग चढ़ के ही बंद हुए थे और वापस से कल मार्केट चढ़ के बंद हुआ है। तो आज ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत हम लोग बुलिश हो जाएंगे। सॉरी, तो 17500 सीधा और 17660 ये आज के लिए लेवल्स हो सकते हैं कहीं भी जाके। लेकिन यह है कि आपको 17600 के बाद में ही शॉर्ट करने की सोचना है नीचे के लिए। ओके, तो यहाँ से आप बेसिकली सोचना चालू करोगे शॉर्टिंग का 17600 से, क्योंकि 17600 पे जो डेटा है 17500 पे ही हमने देखा काफ़ी स्ट्रांग डेटा है, और 17500 का क्रॉस करेगा तो 17600 तक भी जा सकता है। तो 17600 मेरे लिए एक सेलिंग जोन होगा, 17600 से 17750, वहाँ से आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के वहाँ सेल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे की ओर जैसे ही आना चालू होगा तो कल के लो के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, सिंपल वहाँ से नीचे शॉर्ट ही रहेंगे। 17380 है ना, ये 17380 के नीचे हम बेसिकली शॉर्ट ही रहेंगे। फिर हमारे टारगेट्स होंगे 17300 और 17200। ओके, दो बड़े बड़े टारगेट्स हैं, पर क्या 17200 आएगा, चांसेस बहुत कम है। ओके, तो 17300 से ही हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। तो 17300 ये मेरे लिए लेवल होगा जहाँ से मैं बाय करूँगा अगर नीचे आ जाता है तो। और फिर मेरे लिए टारगेट्स होंगे 17500, नीचे पहले आता है तो 17500 का मेरा टारगेट होगा, ऊपर जाता है तभी भी नीचे के लिए मेरा 17500 टारगेट हो सकता है। तो आज जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो क्लोजिंग होगी वो 17500 के आसपास होनी चाहिए, 17500 और 17600 के आसपास की आज क्लोजिंग ऊपर साइड में मिल सकती है, 17 या फिर 17400 और 17450 और 17400 इसके बीच में भी अगर नीचे पहले आ जाते हैं तो हमारी क्लोजिंग इसके आसपास में भी कहीं हो सकती है। ठीक है, तो आज निफ्टी एक्सपायरी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं अगर, तो बैंक निफ्टी में भी हमने कल एक अच्छी खासी मूवमेंट देखी, लेकिन बाद में फिर हम लोग एक साइडवेज आए फिर ऊपर चले गए। तो आज हमको क्या करना है, देखिए आज हम कल 38,000 का जो हमारा टारगेट था कल का अचीव हुआ, और 38,000 पे ही हम लोग वहाँ बंद हुए। ओके, तो 38,000 पे जब हम लोग बंद हुए तो अब हमारे लिए नए रास्ते खुल जाते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर हम लोग अभी 38,200 ओके 38,200 के हमारे टारगेट होने चाहिए ऊपर की ओर, 38,100 38,200 और 38,250, ये तीन टारगेट। मतलब ऊपर अभी फिलहाल देखते हैं, ज़्यादा बुलिश मुझे दिख नहीं रहा, पर 38 यहाँ से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है अगर। लेकिन आपको सेलिंग तभी करना है जब आपको वहाँ पे रिवर्सल दिखता है। ओके, और
हमारे जो वीकली टारगेट्स हैं वो एक्चुअली थोड़ा और ऊपर के हैं, 38 800 के भी हैं। तो हम जैसे ही 38, अगर इन केस 38 300 के ऊपर निकलते हैं, ओके 38 300, तो हमारे फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 38 500 का। ओके तो 38 500 का भी हमारा एक टारगेट आज आ सकता है, अगर अचानक से हम ज़्यादा बुलिश हो गए तो। नीचे की ओर हमको टारगेट करना, 38 के नीचे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो 38 37 850 और 37 700, मतलब 300 पॉइंट का नीचे मुझे स्कोप दिख रहा है जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ हमको 300 पॉइंट नीचे का भी एक मिल सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसी बीच में आपको ढूंढना है, जो नीचे की दो लाइन है यहाँ इस जोन में आपके आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो नीचे में बहुत ज़्यादा बैरिश नहीं हुआ आज, आज ट्रेंड जो मेरा जो है वो मुझे लग रहा है कि ऊपर का ही है। तो 17 200 के ऊपर जैसे ही हम लोग अगर निकलते हैं, सिंपल है, देखिए 17 200 हम लोग मान के चलते हैं, और 17 200 के ऊपर जैसे ही हम लोग निकलेंगे हम लोग थोड़ा बुलिश हो जाएंगे। क्योंकि अब जो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा जो मुझे बता रहा है वो बता रहा है कि 38 200, 38 200 के ऊपर जैसे ही हम लोग निकलेंगे तो वैसे ही हम लोग थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे। ओके तो 200 ये 243 जो दिख रहा है, यहाँ से अगर हम लोग और ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो आप 38 500 के लिए आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ओके तो वहाँ जाके आप फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें, उसके पहले नहीं। तो यहाँ हम लोग को पहले ये देखना कि कहाँ जाके रुकता है और कहाँ जाके वो रिवर्स करता है। लेकिन 38 200 के ऊपर आप बुलिश ही रहेंगे, नीचे की ओर आप 38 के नीचे बैरिश रहेंगे, आप ये समझिए। इसके बीच में आपको 200 पॉइंट में कैसे ट्रेड करना है वो आप स्काल्पिंग की तरफ कर सकते हो। स्टॉक में जो आपको लेकर आया हूँ इंट्राडे के लिए वो है देवयानी। ओके तो देवयानी में बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ जो मुझे लग रहा है तो हम लोग बाय करेंगे इसके ऊपर, 188 के ऊपर बाय करेंगे। ओके और फिर स्टॉप लॉस जो होगा हमारा वो होगा 183 का। ओके तो 183 का स्टॉप लॉस के साथ में ये आप ट्रेड करेंगे, 199 का आपका टारगेट होगा। तो ये होगा मेरा आज का इंट्रा डे ट्रेड। देखिए ये देवयानी, ये इंट्रा डे डे भी है और ये पोजिशनल भी है। मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स लेके आता हूँ जो इंट्रा डे और पोजिशनल हो सकते हैं। पोजिशनल आपको तभी रखना है जब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, और आपको पोजिशनल रखना है तो आपका स्टॉप लॉस भी आपको बड़ा रखना पड़ेगा, फिर वो स्टॉप लॉस होगा आपका 176 का, और टारगेट्स आपके होंगे करीब करीब 225 रुपए के। ओके तो आप इंट्राडे भी कर सकते हो, पोजिशनल भी कर सकते हो, लेकिन दोनों के लिए आपका स्टॉप लॉस डिफरेंट होगा, टारगेट डिफरेंट होगा। तो गाइज ये था आज का मार्केट मॉर्निंग बुलेटिन, और आई गेस इट विल हेल्प यू टू ट्रेड इंट्राडे टुडे। थैंक्स, हैप्पी ट्रेडिंग।